दो टाई में पाला निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए, यही है ना। पहला दिया है चौरासी दशमलव आठ दो चार है, देखो ये दिया है दो अभ्यास दो का ई में, दो का डी तक पढ़ ही चुके हो तो अभ्यास दो का ई में जो दिया है पहला निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, वर्गमूल तुम लोगों को बताए थे कि वर्गमूल जो निकालते हैं उसको प्लस और माइनस के साथ लिखते हैं, बताए थे ना, लेकिन इसमें क्या कह रहा है धन वर्गमूल मतलब केवल प्लस वाला ही लिखेंगे, ठीक है। और ये दशमलव वाला है, देखो दिया है चौरासी दशमलव आठ दो चार एक, इसका धन वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले देखो हल कैसे करते हैं। वर्गमूल जिस संख्या का निकालना रहता है उसको क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं रूट के अंदर पहले रख लेते हैं, ठीक है। इसको ये वर्गमूल का चिन्ह होता है, इसके अंदर इसको लिख लेंगे चौरासी दशमलव आठ दो चार एक। इसको लिखने के बाद अब इसका वर्गमूल निकालते हैं, तो देखो क्या करते हैं वर्गमूल निकालने के लिए, ये संख्या चौरासी दशमलव आठ दो चार एक लिखते हैं। और इसमें एक चीज ये ध्यान देते हैं, जैसे इससे पहले जो वर्गमूल तुम लोग निकाल रहे थे बिना दशमलव वाले संख्या का, तो उसमें क्या कर रहे थे इकाई से शुरू करके दो दो अंक का जोड़ा बना के ऊपर लाइन खींच रहे थे, यही करते थे ना। इसमें एक चीज ये ध्यान देना, ये देखो यहाँ दशमलव लगा हुआ है ना, तो दशमलव से इधर दो दो का जोड़ा बनाएंगे और दशमलव के इधर अलग दो दो का जोड़ा बनाएंगे, बात समझ रहे हो। यहाँ इकाई से नहीं बनाना है जोड़ा, यहाँ दशमलव से इधर अलग और उधर पूर्णांक भाग का अलग और दशमलव भाग का अलग बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाते हैं, यहाँ आठ दो पर पहले खींचेंगे, फिर चार एक पर खींचेंगे और फिर इधर चौरासी पर, इतना समझ में आया। अगर मान लो कोई संख्या ऐसे दिया रहता आठ चार आठ सौ पैंतालीस दशमलव आठ दो एक, तब क्या करते हैं, तब भी यहाँ से शुरू करते हैं, इधर बनाते एक अकेले बच गया तो अकेले पर ही खींचोगे, ठीक है। लेकिन ये दशमलव वाला है ना, ये काम पूर्णांक वाले के लिए करोगे, यहाँ हमेशा दशमलव के दाएं तरफ वाले में हमेशा दो दो अंक पर ही लगेगा, तो यहाँ एक ही है तो क्या करोगे, जीरो है, यहाँ जीरो अपने तरफ से दशमलव वाले में बढ़ा सकते हो और हमेशा दो दो का ही जोड़ा बनाओगे, ठीक है। अगर आगे और जरूरत होगा तो और दो दो जीरो अपने तरफ से बढ़ा सकते हो, और इधर में क्या करोगे, इधर से शुरू करेंगे यहाँ दशमलव से ही, दो पर बनाए अकेले रहेगा तो अकेले पर ही खींचोगे, बात आया समझ में इतना। हाँ, दशमलव इधर वाले में हमेशा दो दो का ही बनेगा, लेकिन इधर जैसे बनाते थे पूर्णांक भाग में वैसे बनाओगे, इतना आया। अब वर्गमूल इसका निकालते हैं, वर्गमूल निकालने के लिए वही काम पहले जैसे बताया था, ये एक साथ पूरा लेते हैं जिस पर ये लाइन खींचे रहते हैं, तो चौरासी एक साथ लेंगे पहले, तो फिर देखते हैं तो कितना अंक से, एक ही संख्या का दो बार गुणा करते हैं, बताए उधर वर्गमूल बहुत निकाल चुके हो, कौन सा संख्या लेंगे हम, एक ही संख्या को दो बार लेके गुणा करना है, इससे कम हो या तो इससे बराबर हो, समझ रहे हो। जैसे मान लो आठ लेंगे तो दो आठ लेके गुणा करके देखोगे, ठीक है, आठ का आठ में चौसठ, फिर नौ का देखते हैं, नौ का नौ में इक्यासी, हम कौन ले सकते हैं, नौ ले सकते हैं ना, तो बस वही करना है, नौ को दो बार लिख लेना है ऐसे,
लाइन खींचना है यहां प्लस लगा देंगे और 9 बार में जा रहा है यहां भी 9 कितना हो रहा है 9 का 9 में पूरा 81 यहां 81 लिखेंगे अब क्या करते हैं इसको जोड़ते हैं और ये घटा देते हैं 9 और 9 को जोड़ेंगे तो 18 और ये 4 में से 1 जाएगा 3 यहां 0 बचेगा इधर आ रहा समझ में ना जी अब देखो इसके बाद क्या करते हैं अब इसके बाद दशमलव वाला संख्या का लेना है ना तो बस और कुछ नहीं करना है सब कुछ वैसे ही होगा बस अब दशमलव वाला संख्या लेना है तो यहां पर दशमलव लगा देंगे ठीक है और बाकी कहीं नहीं अब देखो दशमलव वाला संख्या हम उतारते हैं जिस पर लाइन है एक साथ उतारते हैं 82 उतार लिए अब क्या करेंगे अब इसमें संख्या जोड़ेंगे अब फिर से अब देखो ये हो गया 382 और यहां है कितना केवल 18 तो बताया था ना ऐसे पिछले बारे में पिछले अभ्यास में कि यहां पर कोई भी संख्या लेते हैं तो यहां भी वही लेंगे मान लो अगर 1 लेते हैं तो 181 हो जाएगा यहां भी 1 लेंगे तो 181 का 1 में करके देखेंगे थोड़ा और बड़ा देखते हैं अगर यहां 2 लेते हैं तो 182 होगा तो नीचे भी 2 लेंगे तो 182 का 2 में गुणा करके देखेंगे कितना हो रहा है इससे कम होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए ठीक है तो देखते हैं यहां देखो 18 है पहले से अब यहां हम अगर 2 लेते हैं तो यहां भी 2 ले लेंगे और इसका गुणा करके देखते हैं 2 दूना 4 2 8 16 को 6 हासिल 1 2 का 1 में 2 ही और 1 हासिल 3 तो हो गया 364 तो यही लेंगे और ज्यादा लेंगे तो इससे ज्यादा होगा ठीक है तो कितना हम ले सकते हैं यहां 2 यहां भी 2 और दो बार में जा रहा है यहां भी 2 यहां प्लस लगाएंगे हुआ कितना है पूरा किया तो 364 अब क्या करेंगे फिर वही काम इसको जोड़ेंगे हां 2 2 4 8 1 और यहां घटा लेंगे 2 में 4 नहीं जाएगा हासिल लगा 12 में 4 जाएगा 8 यहां 7 में 6 जाएगा 1 और ये 0 बचेगा कितना समझे हो फिर आगे देखो अब देखो अभी 82 को मतलब 8 2 को हम उतारे थे यहां 41 अब 4 1 को उतार लेंगे ठीक है ना तो 4 और 1 उतार दिए कितने बार में देख रहा हो दिख रहा है यस सर देखो वही संख्या है तो एक ही बार में जाएगा समझ रहा हो एक यहां भी एक इसका एक में गुणा करेंगे तो वही हो जाएगा 1841 यहां क्या करेंगे जोड़ लेंगे और यहां घटाएंगे तो सब जीरो बचेगा तो कितने बार में ये गया है एक बार में ना नहीं तो एक बार में यानी कि हमारा आंसर क्या आया 9.21 जो वर्गमूल है 9.21 लिखेंगे कैसे इसी का वर्गमूल निकाल रहे थे ना तो यहां हम क्या लिखेंगे अब वर्गमूल को देखो लिखते हैं प्लस माइनस लगा के लेकिन पूछा है ऊपर देखो धन वर्गमूल इसका मतलब हमको केवल प्लस माइनस नहीं लगाना केवल प्लस वाला लिखेंगे क्या 9.21 यही आंसर हो जाएगा इसके पहले वाला अभ्यास तुम लोगों को जो विकल्प वाला दिया है दो का डी एक बार और रिपीट कर दे रहा है ये आया ना तुम लोगों को समझ में दो का डी क्या करना था उसमें केवल वैकल्पिक क्वेश्चन दिया है उसमें उसमें केवल ये करना है कि जो संख्या दिया हुआ है उसको क्या करना है उसके वर्गमूल में पूछ रहा है अंकों की संख्या कितनी है यही करना है ना तो एक बार शॉर्टकट में देख लो
जैसे मान लो कोई संख्या दे दिया है, ऐसे पूछ रहा है कि इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, तो क्या करोगे? ऊपर लिख रहा देखो, वर्गमूल में अंकों की संख्या, यही है ना? ये दो का डी है, केवल वैकल्पिक क्वेश्चन है, तो एक बार फिर रिपीट करना, ऐसा परीक्षा में पूछता है। तो देखो इसमें करते क्या है, इकाई की तरफ से शुरू करके दो दो का जोड़ा बना के ऊपर बड़ी लाइन ऐसे खींचते हैं, यही करते हैं ना? और पूछ रहा है इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, तो वही तुम लोगों को क्या करना है, ये पड़ी लाइन को गिनना है, जितना पड़ी लाइन होगा उतने ही संख्या होंगे। तो कितने हो रहे हैं, एक दो तीन चार, तो लिखोगे क्या इस संख्या के वर्गमूल में चार अंक होंगे, ठीक है? एक प्रश्न इसमें दिया है कि 999 के वर्ग में, वर्ग के वर्गमूल में 999 के वर्ग के वर्गमूल में कितने अंक होंगे, तो क्या करोगे? ये तीन अंकों वाला है, तीन अंक का मतलब ये भी तीन ही अंक का है ना, तीन अंक का, तो इसका वर्ग कैसे निकालते हैं, उसी में उसी का गुणा कर देते हैं। गुणा जब करेंगे तो एक का एक में गुणा एक, और ये चार जीरो हो जाएगा, तो इसके वर्गमूल में कितने अंक हो रहे हैं, ऐसे देख लो, तीन हो रहा है ना? ऑप्शन में क्या दिया है, तीन दिया है, तो तीन पर टिक लगा देना, ठीक है? इसी तरह 999 के वर्ग में पूछ रहा है तो वही होगा तीन, ठीक है? तो इसलिए ये दो का डी छोड़ रहे हैं, बस इतना ही क्वेश्चन है इसमें, ठीक है ना? तुम लोग लगा लोगे इसको। अब दो ई में आगे दूसरा है, निम्नांकित प्रत्येक संख्या का धन वर्गमूल इसको हल करते हैं। तो जब हल करते हैं इसको, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको वर्गमूल इसका निकालना है, दशमलव की निकटतम तीसरे स्थान पर पूछ रहा है धन वर्गमूल ही, तो इसको देखो कैसे निकालते हैं। पहले एक दशमलव सात को लिख रहे हैं, अब क्या करना है, दशमलव निकटतम तीन स्थान तक पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, दशमलव बाद जोड़ा चार बना लेंगे, तीन अंक तक पूछा है तो, ठीक है? तो जोड़ा चार तक बनाने के लिए कैसे बताएं, दशमलव वाले में दशमलव इधर बनाते हैं और दशमलव इधर यहां से बनाते हैं, ठीक है? तो इधर ये कहीं पर खींचेंगे अकेले, और इधर हमेशा जीरो बढ़ा के, फिर जीरो बढ़ा के दो बना लिए, फिर जीरो बढ़ा के तीन, फिर जीरो बढ़ा के चार। चार इसलिए ले रहे हैं कि दशमलव निकटतम तीसरा स्थान तक हमको निकालना है, तो चार कम से कम लेंगे। अब देखो क्या करते हैं, पहले क्या करेंगे, वर्गमूल तुम लोग बहुत पढ़ चुके, तो किससे, एक पर अकेले है तो एक ही से करेंगे, एक का एक में दो बार लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, गुणा करेंगे तो एक ही होगा यहाँ भी एक। अब देखो क्या करते हैं, यहाँ जोड़ लेते हैं, एक को एक में दो होगा, यहाँ क्या करते हैं घटाएंगे, जीरो बचेगा। दशमलव वाला संख्या जब लिखना रहता है तो क्या करते हैं, यहाँ दशमलव लगा देते हैं। अब क्या उतारेंगे एक साथ में, हाँ सात जीरो, दशमलव के बाद के संख्याओं को सत्तर ऐसे नहीं पढ़ाया जाता है, एक एक अंक करके सात जीरो पांच तीन जो भी होगा, ठीक है? तो देखो सत्तर हो गया, मतलब सात जीरो हो गया। अब इसमें क्या करोगे, फिर से वही, यहाँ कोई संख्या लेना है,
तीन हम लेते हैं तो यहां भी 3 23 3 हो जाएगा 69 ठीक है यहां 3 तो यहां भी 3 23 का 3 में गुणा करेंगे तो 69 यहां 3 लिया तो यहां भी 3 फिर देखो यहां जोड़ देते हैं 3 3 6 और ये 2 यहां घटाते हैं 0 में से 9 नहीं जाएगा 10 में से 9 जाएगा 1 और यहां 6 में 6 घटेगा तो 0 बचेगा फिर क्या करते हैं हम ये उतार लिए थे अब ये वाला 0 उतारते हैं दोनों कोई भी संख्या अगर यहां हम लेंगे ज्यादा अगर एक भी लेंगे तो 261 हो जाएगा ये सही है तो क्या करना पड़ेगा सही वहां पर जीरो होता है इसके लिए आप फिर से एक और 0 का जोड़ा उतारेंगे तो जब दो संख्या उतार रहे हैं तो एक 0 यहां और एक 0 यहां भी लगाना पड़ेगा ठीक है क्योंकि दो बार संख्या उतार लिए ना लगातार इसके लिए अब देखते हैं ये हो गया कितना 10000 मतलब 1 और 4 0 हो गया यहां 260 करके देखते हैं कितने बार में 2 6 0 है यहां मान लो हम 4 लेते हैं तो यहां भी 4 लेंगे पूरा करते हैं 4 का 4 में 16 को 6 हासिल 1 4 का 0 में 0 1 हासिल 4 6 24 और 4 हासिल 2 4 2 8 2 10 ज्यादा हो गया ना इससे और कम देखते हैं 2 6 0 3 यहां भी 3 3 का 3 में 9 3 का 0 में 0 3 का 6 में 18 को 8 हासिल 1 3 2 6 1 ये ले सकते हैं ना यस सर तो 3 हम लेते हैं यहां भी 3 तो यहां भी 3 यहां प्लस करेंगे और यहां भी 3 अब क्या करेंगे गुणा जब किया तो कितना आएगा 7 8 0 9 यहां क्या करते हैं जोड़ते हैं 3 3 6 ये 0 ये 6 और ये 2 यहां घटाते हैं 10 में से 9 जाएगा 1 यहां 9 यहां कितना बचा 9 में से 8 जाएगा 1 यहां 9 में से 8 जाएगा 2 हुआ ना अब देखो क्या करते हैं फिर से अभी ये जोड़ा बचा हुआ है तो इसको भी उतार लेंगे इसको उतारने के बाद फिर से वही काम करना है जैसे बार-बार करते आ रहे हो ये 2 6 0 6 यही है ना कोई भी संख्या लेके देखते हैं 9 लेके पहले चेक करते हैं ठीक है 9 का 9 में 81 को 1 हासिल 8 9 6 के 54 और 8 62 को 2 2 हासिल 6 9 का 0 में 0 हासिल 6 है 9 6 के 54 को 4 हासिल 5 9 2 18 और 5 23 क्या हुआ ज्यादा हो गया उससे कम ही होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए तो क्या करेंगे और कम देखते हैं 2 6 0 6 यहां 8 लेंगे तो यहां भी 8 8 का 8 में 64 को 4 हासिल 6 8 6 का 48 और 6 54 को 4 हासिल 5 5 8 का 0 0 5 8 का 6 में 48 को 8 हासिल 4 8 2 16 4 20 ले सकते हैं ना यस सर तो यही लेंगे हम 8 लेना है यहां 8 लेंगे और यहां भी 8 और यहां भी 8 इतना समझ रहा हूं ना गुणा जब किया तो कितना आया 2 0 8 5 4 4 4 यहां जोड़ लेंगे 8 8 16 को 6 हासिल 1 6 1 7 0 6 2 और यहां घटाएंगे 10 में से आ जाएगा 6 9 में से आ जाएगा 5 5 यहां 10 में से 5 जाएगा 5 यहां 8 में से 8 जाएगा 0 यहां 1 यहां 0 अब देखो तो हमको ये देखो पूरा अब नहीं करना है हमको क्या करना है
कह रहा है यहां क्वेश्चन में निम्नांकित प्रत्येक संख्या का भंग वर्गमूल दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात कीजिए। तो हमको तीसरे स्थान तक निकालना, तो हम चार पर निकाल लिए हैं, तो अब आगे करने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे? यही हम वर्गमूल हमको मिला है, लेकिन दशमलव के निकटतम तीस तीन स्थान तक, दशमलव बाद हमको तीन ही स्थान तक लिखना है। तो करते क्या है, इसको देख लो, लिखते कैसे हैं, इसका वर्गमूल एक दशमलव सात का निकालना था ना, दशमलव निकटतम तीसरे स्थान पर। तो दशमलव निकटतम तीसरे स्थान तक लिखने के लिए देखो क्या करते हैं, ये हम लिख रहे हैं वर्गमूल जो आया है यहाँ। अब करते क्या है, ये लास्ट के दो अंक को हमको बदल के एक कर देना है, क्यों, तभी दशमलव के बाद तीन अंक होगा ना, ये चार अंक है। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, दोनों अंक को देखते हैं, दस दस के अंतर पर देखेंगे। जैसे जो 38 हो रहा है वो किसके करीब है, 30 और 40 के बीच में आता है 38, हर दस दस के अंतर पर देखेंगे, ठीक है। तो 30 और 40 के बीच में 38 आता है ना, तो जिसके पास 30 और 40 में से जिसके पास होगा उसी का पहला अंक लिखेंगे। जैसे मान लो अगर 30 के करीब रहेगा तो 3, 40 के करीब रहेगा तो 4। तो 38, 30 और 40 में से किसके करीब है, 4 के करीब है ना, 40 के। तो क्या लिख देंगे इसको, 1.30 38 के लिए 4। अगर मान लो यहाँ आ जाता 35 तो बीच में आना 30 और 40 के, तो उसके लिए क्या लिखते हैं, तो उसके लिए 30 के लिए 3 या 40 के लिए 4, दोनों में से कोई लिख सकते हो, ठीक है। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक वर्गमूल 1.304, यही आंसर हो जाएगा।